आपको जो पहले मैं मेरा तरीका आपको पता ही है, पहले मैं आउटपुट दिखा देता हूँ कि हमें आगे आज क्या बनाने जा रहे हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी एक रंगोली बोल सकते हो, पैटर्न बोल सकते हो, ऐसी डिज़ाइन है। ऐसी डिज़ाइन आपको कहाँ पे दिखने को मिलेगी वो आपको पता ही है। आपके घर में बेडशीट है तो वहाँ पे ऐसे दिखाई देगी, कोई ड्रेसेस हैं तो उसमें दिखाई देगी। तो ये टेक्सटाइल में भी बहुत ही काम की चीज़ है। तो ये देखिए कितना सुपर ये यहाँ पे डिज़ाइन है। ऐसी डिज़ाइन आप कोरिडोर में बना सकते हो, जी हाँ बहुत ही आसान है। ये देखिए ये भी कर्टेन है, ये भी एक बेडशीट है, ये रंगोली है, ये देखिए रिपीट, ये देखिए हर चीज़ एक ने के बाद रिपीट हो रही है। ठीक है, तो आज का मेरा कमांड ही है रिपीट। ये देखिए तो आप रंगोली बना सकते हो, आप बेडशीट की डिज़ाइन बना सकते हो, टेक्सटाइल में कोई सारी ड्रेस का डिज़ाइन बना सकते हो ऐसे वेक्टर ग्राफिक्स में। ये देखिए कितना बेहतरीन, एक न एक चीज़ बार बार रिपीट होती है अगर ध्यान से इसको देखे तो। वही एक तरीका आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, मेरे कमांड पे बराबर आपको ध्यान रखना है। तो मेरा ये चैप्टर नंबर 4 रिपीट कमांड से रिलेटेड है। तो हमेशा की तरह कोरिडोर मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है। और शुरुआत करने से पहले आप लोग बहुत ही स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, मुझे बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों को भी बताना जारी रखिए। और मैं यहाँ पे पहले सैंपल दे रहा हूँ। देखिए ये मैंने एक सर्कल लिया, ठीक है, ऐसे छोटा सा, ठीक है, ऐसे एलिप्स शेप बोल सकते हो इसको आप से। और इसको मैंने कलर कर दिया ऐसे, ठीक है, देखिए कितना बड़ा सा ये शेप है, अंडाकार जैसा, इसे आप रिसाइज कर सकते हो। अभी मैं आपको रिपीट कमांड बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्लिक करना, एक्स्ट्रा क्लिक करने से ऐसे पॉइंट आ जाते हैं, ठीक है, ऐसे पॉइंट आ जाते हैं। तो ये रोटेशन है, ये स्ट्रेच पॉइंट है, ये रोटेट 4 पॉइंट है, ये स्ट्रेच के 4 पॉइंट है और बीच में एक सर्कल है छोटा सा सेंटर पॉइंट का। मैं अभी इसको हटाना नहीं चाहूँगा, इसी में आपको पहले रिपीट बता दे, बहुत सारे तरीके हैं तो मैं कोशिश करूँगा हर तरीके आपको बताने की। इसको उठाना है आपको, ये कॉर्नर पॉइंट को ऐसे उठाना है, देख लीजिए माउस से, ठीक है, माउस से उठाना है। अभी आपको लेफ्ट क्लिक नहीं छोड़ के राइट क्लिक मारना है, जिसको हम डुप्लीकेट बोलते हैं, आगे भी मैंने बताया था। तो ये जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस से आगे और भी ऑब्जेक्ट उसी तरह आते रहेंगे, इसी को बोलते हैं हम रिपीट। एडिट मेनू में ये कमांड आपको यहाँ पे मिलेगा, रिपीट कंट्रोल आर इसका शॉर्टकट है। मैंने बार बार बोल रहा हूँ शॉर्टकट से जितना काम करोगे उतना बहुत ही मजा आती है। तो ये है रिपीट, ये देखिए, ठीक है, यहाँ से रिपीट। तो मैं अभी ये यहाँ से मेनू से नहीं जाऊँगा, मैं कंट्रोल आर प्रेस करूँगा कीबोर्ड से, वो मेरे लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो ये कंट्रोल आर यहाँ पे मैं चाहूँगा वो कीबोर्ड, ये देखिए कंट्रोल आर, तो ऐसे रिपीट होता रहता है। ये देखिए तो यहाँ पे आप ऐसी पैटर्न डिज़ाइन बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सरका लेते हैं, और भी मैं कुछ बताना